नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम की शक्ति चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता एक दिन लक्ष्मण को क्यों निगल गईं? चलते हैं अपनी इस कहानी की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जब माता सीता 14 वर्ष के वनवास को गई थी, उस समय माँ सरयू से वादा करके गई थी कि जब मेरे पति और देवर सकुशल राक्षसों का संहार कर अयोध्या वापस आएंगे तब मैं आपकी विधिवत पूजा अर्चना करूंगी। दोस्तों, जब श्री राम रावण का वध कर अयोध्या वापस आए तब माता सीता लक्ष्मण जी को साथ लेकर सरयू माँ की पूजा करने गई। यह देखकर हनुमान जी चुपचाप उनके पीछे पीछे चले गए और एक वृक्ष के पीछे जाकर छुप गए। माता ने लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण सरयू से जल लेने लगे उसी समय अघासुर नाम का राक्षस लक्ष्मण को निगलने को निकला। यह देखकर सीता जी ने तुरंत लक्ष्मण को निगल लिया। यह सब हाल हनुमान जी भी देख रहे थे। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण को निगलते ही वह जल तत्व में विलीन हो गई। जब हनुमान जी ने देखा कि माता सीता जल में परिवर्तित हो गई हैं, तो उन्होंने उस जल को एक घड़े में भर लिया और लेकर श्री राम के पास आ गए और सारा वृतांत श्री राम को बताया। यह सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कराए और बोले, हनुमान, मैंने सारे राक्षसों का संहार किया है, लेकिन इसकी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। इस असुर को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। इसका अंत तभी होगा जब माता सीता और लक्ष्मण दोनों एक तत्व में विलीन हो जाएंगे और वह तत्व महाबली हनुमान के द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयोग होगा। हनुमान, तुम इस जल को लेकर सरयू के जल में प्रवाहित कर दो, उससे अघासुर का अंत हो जाएगा और लक्ष्मण और सीता पुनः शरीर को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी उस जल को लेकर सरयू नदी पर गए और उस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर और सरयू में प्रवाहित कर दिया। उससे सरयू में भयंकर अग्नि प्रकट हुई जिसमें जलकर उस अघासुर का वध हो गया। माता सीता और लक्ष्मण पुनः वापस उसी शरीर में आ गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रेम की शक्ति।